द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अध्याय एक, दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती हैं। दर्शकों की आंखों से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली महसूस की जाने वाली क्षणिक एवं बयान न की जा सकने वाली सिहरन से उत्तेजित होते रहते हैं। लेकिन अधिकतर लेखक ये भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती हैं। एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गड़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वाक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है, दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। तात्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आपने कभी पास के मैदानों में घास चर रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है, जो रेलगाड़ी की घड़घड़ाहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर तक नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूरी पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़ों को संभालने में जुटी हुई नजर आती है। गाड़ियों की आवाज से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज के इलाके में चराया जाए जहां मोटर गाड़ियां न आती हों? या उसे ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां पर आमतौर पर मशीनों की घड़घड़ाहट सुनने को मिलती हो? इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छुपी हुई व्याकुलता और भय को दूर कीजिए। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेख को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसी तैराकी की पोशाकें मौजूद हैं जिन्हें पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुए बिना मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैराकी सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाले भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से भय लगता है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता भी कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए हैं। विषय में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ। घोड़े के खुरों में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथनों में कसी नकेल को कस देते हैं। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खों का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। दिमाग में केवल भाषण से संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जैसे पानी भरकर गिलास को हवा से बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय से भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। ये केवल विशुद्ध अभिमान के समान होगा यदि सामने मौजूद एक दूसरे बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर लें। सच्चाई कठोरता पूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर पहुंचकर दर्शकों को बाहर निकलने की राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौकों पर कार्य का महत्व जहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकना है। मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना। स्वयं को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दर्शाने के लिए
न तो ज्यादा निपुण दिखने का प्रयत्न करना चाहिए और न ही ज्यादा बड़ा जानकार दिखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अहंकार सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन को आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सम्मुख पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसीलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण की शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त खराब नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होता। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिंकस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वॉशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूं। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि पहले से तैयार हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती हैं। आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। ये आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाए। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें, दर्शकों को गौर से देखें, एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी न दिखाएं, जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना न करें,
ये जरूरी नहीं है और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें, एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हों। ये व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा, वास्तव में ये व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौकों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदि हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए, बेकाबू भय बुजदिली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है, उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या ये एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसनीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जरूरत से ज्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को ज्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डिल स्कॉट ने कहा है कि क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामयाबी की ज्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्याय में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकतर सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, और न्याय संगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। अध्याय 2, एक जैसे ढंग की नीरसता। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है और अब कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्नता की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोलने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। यह केवल अपराध नहीं है बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एक रूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एक रूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप ये मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 ही गानों का संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो यह मान लिया जाता है कि वक्ता के स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। ये चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक क्षीण कर देती है। अत्यंत एक रूपता काल कोठरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंचा रखें और लगातार 18 घंटों तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एक रूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है, एक ऐसी सजा जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को क्षीण कर देती है।
लिहाजा ऐसी प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका से अलास्का तक घूमने के साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफर के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी नौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफर करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी की एक रूपता निर्धनता के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी प्रकार भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़ियाओं के गीत, पहाड़ी दर्रों और स्वयं पहाड़ों में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता भूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती सड़कों में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की हैं। इसीलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एक रूप होता है। भाषण के दौरान प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुंचने से भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में ही विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े सत्यों को कहानियों के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर लेस मिर्ज़बेल। यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना जरूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाने से अरुचि, कर्कश स्वर और एक रूपता का एहसास होता है। शब्द कोश के मुताबिक एक रूपता का अर्थ है उबाऊ और थकाऊ। हालांकि ये अर्थ काफी नम्रता पूर्वक लिखा हुआ महसूस होता है, लेकिन असल में एक रूपता का अर्थ है पागल करने वाली उबाऊ स्थिति। एक रूपता पर विजय पाने के उपाय। जैसे अपने वस्त्रों की नीरसता से उबरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताजा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एक रूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीनी तरीकों को नजरअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषण में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें, तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं, तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। जैसे किसी मरे हुए घोड़े के खुरों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से यह पता लगता है कि कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना और जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगले कुछ अध्यायों के गहन अध्ययन के बाद भाषा शैली से एक रूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल की कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी होता है।
यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने, साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक की भूमिका भी निभाएं। आगामी अध्याय में भाषा शैली की निपुणता के लिए निर्धारित किए गए तकनीकी सिद्धांत मनगढ़ंत नहीं है। इन सिद्धांतों को दुनिया भर के बेहतरीन वक्ताओं और कलाकारों के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों को स्वाभाविक रहने के लिए प्रतिबद्ध करना कारगर साबित नहीं होता। भाषण के दौरान स्वाभाविक रहना एक रूपता का कारण भी बन सकता है। उत्तरी ध्रुव में प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी फल छोटे बीज एवं हल्के तीखे स्वाद का होता है, लेकिन इस प्राकृतिक फल की तुलना उन्नत विधि से उगाए जाने वाले स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फल से नहीं की जा सकती। पहाड़ों की पथरीली ढलान पर बिना मिट्टी पानी के प्राकृतिक तौर पर बौने पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों का दुर्भाग्य ये है कि इनकी तुलना नम और उपजाऊ इलाकों में पनपने वाले हरे भरे पेड़ों से की जाती है। बेशक प्राकृतिक स्वभाव को बरकरार रखें, लेकिन इस स्वभाव को आदर्श स्तर तक विकसित करने की कोशिश जरूर करें। अध्याय 3, प्रभाव एवं वशीभूतता द्वारा कुशलता। जिस बंदूक की मारक क्षमता में ज्यादा फैलाव होता है उससे चिड़ियों का शिकार नहीं होता। यही सिद्धांत भाषा पर भी लागू होता है। जो वक्ता बेतरतीब तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल करता है उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वाक्य का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, लिहाजा ध्यान रखें कि केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पावन नगरी वृंदावन जैसे शब्दों का उच्चारण करें तो जरूरी नहीं है कि सभी अक्षरों पर बराबर जोर दें। इनमें से केवल कुछ ही अक्षरों को विशेष महत्व दिया जाएगा, बाकी अक्षरों का उच्चारण सामान्य तौर पर होगा। क्यों न इस सिद्धांत का उपयोग पूरा वाक्य बोलने में भी किया जाए। काफी हद तक सामान्य भाषा में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक भाषण में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसी प्रतिभा की कमी की वजह से भाषण में एक रूपता का दंश प्रकट होता है। जहां तक शब्द विशेष पर जोर देने का संबंध है, आप एक सामान्य वाक्य को एक बड़े शब्द के रूप में देखें तो समस्या का हल निकल आएगा। इस पर ध्यान दें, भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। आप मुकद्दर का सिकंदर बोलते समय हर अक्षर पर बराबर जोर डाल सकते हैं। इसे ऊंचे स्वर में बोलिए और महसूस कीजिए, निसंदेह आप भाग्य शब्द पर विशेष जोर डालेंगे, क्योंकि इस वाक्य में भाग्य मुख्य घोषणा है। नहीं शब्द पर भी समान बल दिया जाएगा। जाहिर है कि नहीं शब्द को विशेष महत्व नहीं दिया तो दर्शक समझेंगे कि भाग्य संयोग से ही मिलता है। इसी के साथ संयोग शब्द पर भी जोर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वाक्य में संयोग शब्द का भी समान महत्व है। संयोग शब्द को महत्व देने का एक और कारण यह भी है कि अगले वाक्य में संयोग की तुलना चुनाव से की गई है। साफ तौर पर लेखक ने इन दोनों शब्दों की तुलना दोनों शब्दों पर विशेष बल डालने के ध्येय से यानी कि उद्देश्य से की है, अर्थात वाक्य में तुलनात्मक शब्दों पर बराबर जोर दिया जाना चाहिए। एक वक्ता को स्वर के तालमेल के जरिए तुलनात्मक शब्दों पर समान बल देना चाहिए। यदि आप कहें कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है तो आपके जहन में सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? स्वाभाविक रूप से सफेद, क्योंकि काले रंग का विपरीत सफेद होता है। यदि आप इस विचार को प्रकट करना चाहते हैं कि भाग्य को चुना जाता है तो इसे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए पहले कहें कि भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसके बाद कहें कि इसे चुना जाता है। यदि हम कहते हैं कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है तो स्वाभाविक रूप से घोड़े से ज्यादा महत्व रंग का हो जाता है। यदि आप कहें कि मेरा घोड़ा सफेद है तो सामान्य तौर पर जवाब मात्र हामी होगा। उपर्युक्त बयान के दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द महत्वपूर्ण है, चुनाव। लेखक के वक्ता वाक्य में चुनाव शब्द को विशेष महत्व प्रदान करना चाहता है, क्योंकि इस शब्द की तुलना पहले वाक्य के संयोग शब्द से की गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए, भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। अब इन वाक्यों को बार बार पढ़ें।
और महत्वपूर्ण शब्दों पर विशेष बल दें। लगभग सभी वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ते वक्त हेडलाइंस पर सरसरी नजर डालकर मुख्य समाचारों का अंदाजा लगा लिया जाता है। अखबार के संपादक को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अखबार में हांगकांग में हुई लूट को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आपके अपने शहर में 5 मछुआरों की मौत की खबर को दिया जाता है। खबर के विस्तार द्वारा संपादक अलग अलग खबरों के महत्व को दर्शाने की चेष्टा करता है। चौंकाने वाली खबरों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शीर्षक को कभी कभी लाल रंग में लिखा जाता है। इस प्रकार यदि वक्ता अपने भाषण के जरिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब होता है तो इसे वरदान से कम नहीं माना जा सकता। एक सामान्य वक्ता उक्त पंक्तियां बोलते वक्त स्वाभाविक तौर पर भाग्य, संयोग, नहीं और चुनाव पर विशेष बल देगा। एक बार द न्यूयॉर्क सन के संपादक चार्ल्स डाना ने अपने एक संवाददाता से कहा कि सड़क पर जाते समय जब वो किसी कुत्ते को आदमी को काटते हुए देखे तो उस ओर ध्यान न दे। हमारा अखबार ऐसी बेमतलब की खबर के लिए न तो पाठकों का ध्यान खींचना चाहता है और न ही अपना कीमती समय नष्ट करना चाहता है। एक चुप्पी के बाद माननीय डाना ने लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, यदि तुम किसी व्यक्ति को कुत्ते को काटते देखो तो फटाफट दफ्तर लौट आना और लेख को छपने के लिए दे देना। निसंदेह ये एक बड़ी अनोखी खबर होगी। यदि वक्ता बोलते समय भाग्य संयोग से नहीं मिलता, वाक्य के सभी शब्दों पर समान बल देता है तो ये कुत्ते ने आदमी को काटा जैसी खबर के समान नीरस होगा। लेकिन यदि वक्ता सही शब्द पर बल डालता है तो वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक आदर्श वक्ता बोले जाने वाले वाक्य के अहम शब्द को पर्वत शिखर के तौर पर पेश करता है। एक आदर्श वक्ता के भाषण में महत्वहीन शब्द नदी की सतह की तरह जलमग्न रहते हैं। वक्ता के महान विचार शाहबलूत के ऊंचे वृक्षों के समान होते हैं और कम महत्व वाले विचार मैदानी घास के समान। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाक्यों में तुलनात्मक शब्दों पर विशेष बल देना चाहिए। इस संपादकीय पर ध्यान दीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि ये लेख हूबहू प्रकाशित किया गया था। हम नहीं जानते कि संदेश मिलने के वक्त राष्ट्रपति ने क्या सोचा और एक चूहे को देखकर हाथी क्या सोचता है, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या सोचा होगा। उक्त वाक्य में सोचा शब्द पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि जब इस लेख को प्रकाशित किया गया था तो इसे गाढ़ी स्याही से लिखा गया है। इसके विपरीत यदि बाकी शब्दों को सोचा के मुकाबले 10 गुना गाढ़ा कर दिया जाए तो भी सोचा शब्द इतना ही आकर्षित करेगा क्योंकि इस शैली में भी ये शब्द भिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स के उपन्यास द बिजनेस ऑफ लाइफ से प्रस्तुत ये उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में आप, चुका और होता इन शब्दों को हल्का टेढ़ा लिखकर भिन्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। जाहिर है लेखक अपने उपन्यास में इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसने उस लड़की की ओर विस्मय से लिप्त क्रोध से देखा। आप इसे कायरता नहीं तो और क्या कहेंगे? आप चुपके से आए और निस्सहाय लड़की से जबरदस्ती शादी कर लें? क्या आप मुझसे ये उम्मीद रख चुके थे कि मैं आपकी सलाह पर जैकलीन के दिमाग में जहर घोलता और खुद को बर्बाद कर लेता? यदि मैं ऐसा करता तो निश्चित तौर पर यह एक कायरतापूर्ण कार्य होता। कुछ विशेष शब्दों पर बल डालने के लिए और इन शब्दों को अलग दर्शाने के लिए लेखक ने इन शब्दों को भिन्नता प्रदान की है। यदि आप जोर से बोलने के आदि हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देने के लिए उनका उच्चारण सहजता के साथ करें। इस प्रकार आप इन शब्दों पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होंगे। यदि आप तेजी से बोलने के आदि हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण की रफ्तार धीमी करें। यदि आप धीमे स्वर में बोलते हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण के दौरान स्वर को भारी कर दें। विभक्ति, एहसास, विराम, स्वर बदलने की कला, गति बदलने की प्रतिभा जैसे अध्यायों का अध्ययन करें। इन अध्यायों के गहन अध्ययन के जरिए
विस्तृत रूप से ये जानकारी हासिल की जा सकती है कि सही जगह पर बल डालने के खास सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस अध्याय में हम बल डालने के केवल एक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण शब्द पर बल डालने और महत्वहीन शब्द को अनदेखा करने की कला। कभी न भूलें, भाषण को आकर्षित बनाने में यह सिद्धांत बेहद कारगर सिद्ध होता है। ऊंची आवाज में बोलने की आदत और शब्दों पर बल देने की कला को एक समान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। चिल्लाना ईमानदारी, समझदारी और एहसास का सूचक नहीं है। शब्दों पर बल देने की जिस कला पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका संबंध वास्तविक शारीरिक शक्ति से नहीं है। हालांकि यह सही है कि शब्दों पर बल देने के लिए उच्चारण या तो ऊंचे या फिर धीमे स्वर में करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तविक कुशलता की आकांक्षा की जा रही है, उसका संबंध ईमानदारी और प्रबलता से है। ये एक आंतरिक शक्ति है जिसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वक्ता ने कहा, इस देश के दुर्भाग्य का कारण शिक्षा की कमी नहीं, राजनीति है। वक्ता ने दुर्भाग्य, कमी, शिक्षा और राजनीति शब्दों पर विशेष बल दिया। बाकी शब्दों का उच्चारण सामान्य तौर पर किया गया। राजनीति शब्द के साथ एक विशेष एहसास को जोड़ा गया और इस शब्द के उच्चारण के वक्त क्रोध की मुद्रा में हाथ पर हाथ मारा गया। इस शब्द पर वक्ता का जोर देने का तरीका एकदम उचित एवं जबरदस्त था। इस पंक्ति के बाकी शब्दों की ओर लापरवाही और राजनीति पर विशेष रवैये से बल देकर वक्ता ने आसानी से दर्शकों का ध्यान इस शब्द की ओर खींच लिया। आप उस गाइड के बारे में कैसा सोचेंगे जो आपको न्यूयॉर्क घुमाने के नाम पर सड़क के किनारे स्थित चीनी धोबी घाट और जूते चमकाने वाली दुकानों का दर्शन करवाने लगे? दर्शकों का ध्यान भाषण की ओर आकर्षित करने की केवल एक ही विधि है, या तो उजागर करने के लिए कोई सच्चाई हो या मनोरंजन का मसाला हो। यदि वक्ता का भाषण निरर्थक एवं उबाऊ है, तो दर्शकों में महत्वपूर्ण सीख के व्याख्यान को न तो सुनने का जोश बचेगा और ना ही जिंदा दिली। कभी कभी ज्यादा बल दर्शाने के लिए शब्द के हर एक अक्षर पर समान जोर देना गलत नहीं होता, जैसे कि इस वाक्य में पूर्ण रूप से पर बल दिया गया है। मैं आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। इसी प्रकार किसी अति महत्वपूर्ण वाक्य को विशेष महत्व देने के लिए प्रत्येक शब्द पर बल डाला जा सकता है। इस सिद्धांत के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना आसान होता है। इस मौके पर पैट्रिक हेनरी की प्रसिद्ध कहानी के अंतिम भाग को उदाहरण के तौर पर पेश करना कारगर सिद्ध होगा। वाक्य में मौजूद किसी एक शब्द पर जोर देने का उसका सही और गलत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि निम्नलिखित वाक्य में कैसे विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। इस वसंत में मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन मकान नहीं खरीदा जा सका। इधर से उधर किराए पर रहने की जगह। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, कोई मोटरकार वगैरह नहीं, केवल मकान। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, यानी अगले वसंत तक टालने की इच्छा नहीं थी। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, वसंत में, ठंड के मौसम में नहीं। जब समाचार पत्रों में महान युद्ध के बारे में लिखा जाना शुरू किया गया, तो एक ही तथ्य पर बार बार जोर नहीं दिया गया। हर नए लेख में नई सूचना या नया दृष्टिकोण प्रकाशित करने की कोशिश की गई। सुबह के संस्करण में जिस खबर को ज्यादा महत्व दिया गया, दोपहर के संस्करण में वही खबर कम महत्व की खबर के तौर पर पेश की गई। भाषण के दौरान कहां ज्यादा जोर देना है, यह सिद्धांत सटीक रूप से इस महत्व को प्रदर्शित करता है। एक ही विचार पर बार बार जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण घटना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भाषण के दौरान जोर देने के नियम किसी खूंटे से नहीं बंधे होते। भाषण में किस शब्द
वाक्य और भाव पर ज्यादा जोर दिया जाए, ये वक्ता की शैली पर आधारित होता है। एक वक्ता भाषण के जरिए जो व्याख्यान करता है, जरूरी नहीं है कि अन्य वक्ता उसी भाषण के जरिए समान भाव पैदा करे। इस बात का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा व्याख्यान सही है और कौन सा गलत। ये सिद्धांत वक्ता के जहन की उपज होते हैं। स्वर बदलने की कुशलता। जैसा कि सब जानते हैं कि कंठ की स्थिति बदलने से ऊंचे नीचे या मध्यम स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषण के दौरान न केवल इसका उपयोग एक जैसे उच्चारण के लिए, बल्कि चिल्लाहट, एकाक्षर जैसे भाव, शब्द और एक ही स्वर में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि इस अंतर को समझा जाए। एक दक्ष वक्ता न केवल लगातार उपयोग में आने वाले शब्दांश, बल्कि भाषण के अलग शब्द और शब्दों के समूह को विभिन्न स्वर से अलंकृत करता है। हम इस अध्याय में इसी विषय के विशेष चरणों पर ध्यान दे रहे हैं। विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। चाहे वक्ता इस सिद्धांत का होशो हवास में, अनजाने में या अवचेतना की स्थिति में प्रयोग करे, लेकिन ये वो शुद्ध आधार है जिसके माध्यम से स्वर में बदलाव पैदा होता है। इसके बावजूद आमतौर पर वक्ता इस नियम का उल्लंघन करते रहे हैं। एक अपराधी राष्ट्र के कानून की अवहेलना करते हुए भी दंड से बच सकता है, लेकिन भाषण के नियमों की अवहेलना करने वाले वक्ता को कम प्रभावशाली होने के नाते ये दंड भुगतना ही पड़ता है। ऐसे वक्ता के बेगुनाह दर्शकों को भाषण में एक रूपता के दंश को झेलना पड़ता है। एक रूपता यदि वक्ता के लिए पाप के समान है, तो दर्शकों के लिए महामारी से कम नहीं है। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखियों के लिए अड़चन का काम करती है, यहां तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी। ये तब ज्यादा प्रखर हो जाती है जब भाषण को कंठस्थ याद किया जाए। यदि आप स्वर की एक रूपता के प्रभाव को समझना चाहते हैं, तो पियानो के एक ही स्वर को बार बार बजाते रहें। निसंदेह आपको बोरियत का आभास होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से बोलने की क्रिया में स्वर के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के कई आयाम होते हैं। इन स्वरों का स्वाभाविक ज्ञान होने के बावजूद किसी को कोई हक नहीं है कि दर्शकों में एक रूप स्वर और शैली से उबाऊ भावना पैदा करने का मौका प्रदान करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि धुन की रचना में एक विशेष लय संगीत की खूबसूरती का आधार बन सकती है। धुन में एक आधारभूत लय के मुताबिक ही बाकी स्वरों का ताना बना बुना जाता है। इस प्रकार धुन में सामंजस्य तैयार किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक संस्कार के उद्देश्य से बनाई गई धुन में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाषण देने वाले वक्ता को एक रूपता से बचना चाहिए, क्योंकि भाषण का एक जैसा ढंग ऊब पैदा करता है। निरंतर स्वर बदलने की कला प्राकृतिक उपहार है। भाषण देने की कला में दक्षता हासिल करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान से सुनिए कि चिड़िया कैसे चहचहाती है। किस चिड़िया के कंठ से सबसे ज्यादा कर्णप्रिय स्वर निकलता है? कुछ चिड़िया बेहद सुरीली होती हैं, लेकिन स्वर में उतार चढ़ाव न के बराबर होता है, जबकि कैनरी, लार्क और बुलबुल जैसी चिड़ियाओं के स्वर में न केवल उतार चढ़ाव की असीम प्रतिभा होती है, बल्कि स्वरों की बंदिश बनाने का भी गुण होता है। यहां तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाहट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात यह है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहाँ हम एक शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है, तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती।
बेनाम स्वरों में बदलाव की आवश्यकता स्वयं महसूस की जा सकती है। लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एक रूपता से उभारने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है, फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार करता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को उलट दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यही है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करें। आगे दिए संकलन को उदासीन तरीके से पढ़ें। इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी न रुकें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंताधार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। हेनरी वार्ड बीचर। अब विचार पर विश्वास करें और इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है। लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराबे वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप की गूंज ज्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसे विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? मुझे नहीं पता। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए पहले इस्तेमाल की गई विधि को अगर उलट दिया जाए तो भी समान प्रभाव पैदा होगा। बस गंभीरता में थोड़ा बदलाव दर्शाना होगा। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। सशक्त आवाज के लिए न तो उसका भारी होना जरूरी होता है और ना ही बेहद नम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहें। स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, मध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। अध्याय 5, गति में बदलाव की कुशलता। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप से समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। यह शब्द है टेम्पो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति में बदलने में लगने वाले समय के आधार पर मापा जाता है। यही कारण है कि गीत और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ठोस चीजों में टेम्पो को महसूस किया जा सकता है। इसके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है,
एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेम्पो के साथ दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेम्पो के साथ मिनट के 600वें हिस्से में गोलियां दाग सकती है, जबकि पुरानी मजल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते थे, यानी धीमे टेम्पो के साथ गोली दागी जाती थी। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे स्वर को उठाने में 8ों स्वरों को उठाने से ज्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेम्पो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेसबॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेम्पो में बदलाव किया जाता है, इसी प्रकार वक्ता को भी टेम्पो में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता छलकती है। एक रूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया था। स्वाभाविकता के साथ टेम्पो में बदलाव भाषण को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण हुनर होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमजोर पकड़ रखता है तो अभिनय में नीरसता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का ये वो आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, कराह, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें, निसंदेह परिणाम काफी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए तो भाषा शैली प्रकृति के सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाएगी। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका संवाद टेम्पो में उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप आगे लिखी पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति यानी धीमे टेम्पो में पढ़ते हैं और दूसरे वाक्य को तेजी से। महसूस कीजिए कि इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक रफ्तार से पढ़िए, अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपने चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया कि मैंने चाकू मैरी को दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि एक ही वाक्य में टेम्पो के बदलाव की जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेम्पो में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेम्पो के बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। गति में बदलाव से एक रूपता खत्म होती है। टेम्पो में लगातार बदलाव के जरिए कैनरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमन एक वक्ता होता तो वो जंगली चिड़िया के ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गीत की कल्पना कीजिए जिसमें केवल 1/4 स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें, लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलने लगे तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए, लेकिन यदि संगीत की आवाज अचानक तेज कर दी जाए तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। ये सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्य को टेम्पो में बदलाव के साथ कुशलता से पेश कीजिए।
निसंदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। आगे लिखे संवाद का इस्तेमाल एक नाटक में किया गया था। जो मैंने कहा था मैं उसे भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए याद रखें। मुझे परवाह नहीं यदि आप 6-6 बंदूकें अपने साथ लाए हों। संवाद का पहला वाक्य बड़े आराम से बोला गया। याद रखने वाला दूसरा वाक्य विद्युत की गति से प्रस्तुत किया गया। इसी बीच कलाकार ने संवाद का आखिरी वाक्य बोलते वक्त रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। इस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दर्शकों के जहन में पूरा नाटक तो धुंधला पड़ने लगा, लेकिन इस संवाद को अगले 6 महीनों तक याद रखा गया। एक प्रभावी वक्ता बनने की तैयारी में जुटे छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि कलाकार अपने संवाद को यादगार बनाने के लिए इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। गति के सिद्धांतों का अभ्यास करते वक्त नियमों से ज्यादा विचार का ख्याल रखना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वाक्य को तेज गति से बोला गया और किसे धीमी गति से। महत्व इस बात का है कि भाषण के दौरान इस कला का इस्तेमाल किया गया या नहीं। भाषण के दौरान टेम्पो में बदलाव के हुनर का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उत्तेजना में वाक्य को जरूरत से ज्यादा गति दे दें। नए वक्ताओं में यह दोष ज्यादा देखने को मिलता है। श्रीमती सिडोन का यह नियम था कि समय लें। करीब 1 सदी पहले चिकित्सा विज्ञान में बंदूक से उपचार नामक औषधि मिश्रण के जरिए इलाज की प्रथा का चलन था। इसके अंतर्गत करीब 50 अलग अलग औषधियों का निर्माण मरीज को दवा देने के तौर पर इस उम्मीद के साथ दिया जाता था कि कोई एक दवा काम कर जाए। हालांकि चिकित्सा प्रणाली में ये योजना कारगर साबित नहीं होती, लेकिन भाषा को विविधता प्रदान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। गेट्सबर्ग समाधि स्थल पर समर्पण। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता, एकाधिकार एवं विकासशील राष्ट्र के गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज हम गृह युद्ध में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या उदारवादी सोच के साथ किसी राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है? क्या यह सोच लंबे समय तक टिक सकती है? एक दूसरे से हमारा सामना युद्ध भूमि में हो रहा है। हम अपने पूर्वजों की सोच को जिंदा रखने के लिए युद्ध भूमि में उतर रहे हैं। यह बिल्कुल उचित है कि हम राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, लेकिन एक मायने में हम समर्पित नहीं हो सकते। हम संकल्प भी नहीं ले सकते। हम इस धरती को पवित्र नहीं कर सकते। इस धरती के लिए समर्पित जीवित या मृत बहादुर योद्धा जिसने इस सोच के लिए संघर्ष किया था, वो योद्धा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया हमारे बलिदानों को याद नहीं रखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान सदा याद रखे जाएंगे। पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को सहजता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अधूरा पड़ा महान कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने की आवश्यकता है। पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पण की ज्योति जलानी होगी। प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ न जाए। प्रभु की कृपा से हमारे राष्ट्र में फिर से स्वतंत्रता का परचम लहराएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का फिर से गठन होगा। अध्याय 6, विराम एवं ऊर्जा। भाषण के दौरान विराम का उपयोग वाक्पटुता के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कहे कि मेरे लिए अथाह सम्मान की बात है कि मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दरअसल ये विराम नहीं, ये हकलाना है। हालांकि एक वक्ता हकलाने के बावजूद प्रभावी वक्ता हो सकता है, लेकिन बार बार अटकने से प्रभाव नहीं जमाया जा सकता। इसके अलावा एक प्रभावशाली वक्ता के लिए महत्वपूर्ण वाक्य या मुहावरे की शुरुआत में या अंत में विराम लेना आवश्यक होता है। कोई वक्ता इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करता। यह वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी महान वक्ता करते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने तक अभ्यास करना चाहिए।
वाक्पटुता के सिद्धांत को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण की लंबी अवधि के पश्चात ये खुलासा हुआ है कि इस सिद्धांत को हिंदी भाषा में समझाया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति लंबा समय लगा देता है। अर्थात इस अनुभव को हम ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम अपने लिए पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं। यदि फल कड़वा निकलता है तो हम उस पेड़ को कभी नहीं भूलते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वकालत करता है। मेरे दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपके और मेरे लिए अनोखा बलिदान दिया है। आपको नहीं लगता कि विराम की वजह से इस कथन में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है? गौर करने योग्य बात यह है कि वक्ता ने अपनी संयोजित शक्ति को प्रयोग में लाते हुए कैसे बड़े प्रभावशाली ढंग से आपके और मेरे लिए का भाव व्यक्त किया है। इस पंक्ति को अब बिना विराम दिए बोले, क्या बिना विराम के इसका प्रभाव नष्ट होता प्रतीत हो रहा है? स्वाभाविक है कि पहले से सोचे गए इस विचार के साथ वक्ता ने पूरे ध्यान से विराम का सटीक जगह पर प्रयोग किया। वक्ता ने अपने विचार को एक पल के लिए भी नहीं भटकने दिया। खास है कि वक्ता की प्रस्तुति में बलिदान जैसे भारी शब्द के बावजूद भटकाव का असर नहीं महसूस हुआ। इस प्रकार यहां एकाग्रता के महत्व का बोध होता है। एकाग्रता के बिना विराम के सही उद्देश्य को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रभावी विराम की कला के द्वारा एक या सभी चार परिणामों को हासिल किया जा सकता है। एक, निर्णायक भाव उजागर करने से पहले विराम वक्ता को अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करने का मौका प्रदान करता है। युद्ध में बिना तैयारी और सैनिकों की संख्या का आकलन किए बिना उतरना हानिकारक साबित होता है। आप सूर्य की रोशनी में माचिस की तीली को कांच के टुकड़े के नीचे रखकर जला सकते हैं, लेकिन कांच के टुकड़े को बार बार हटाने से तीली नहीं जलेगी। ऊर्जा जुटाने के लिए रुकना पड़ता है। इसी तरह गलत समय पर लिया गया विराम दर्शकों के मन में उत्सुकता और प्रसन्नता का भाव पैदा करने में कामयाब नहीं होता। तेल के कुएं का ढक्कन अक्सर खुला रहता है, लेकिन ज्यादातर प्रवाह के लिए तेल के कुएं का ढक्कन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। दरअसल इस प्रकार प्रवाह को शक्ति संयोजित करने का समय मिल जाता है, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाना चाहिए। किसी विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हल्का सा विराम लें, दिमाग की शक्तियों को संयोजित करें, फिर नए जोश के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करें। कार्यालय ने सही कहा है, मैं मन से विनती करता हूं, जब तक विचार पूर्णतया विकसित न हो तब तक न बोले। शांत रहने से शक्ति का सृजन होता है। बोलना चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना सोने की भांति है। बोलना मानवीय गुण है, चुप्पी ईश्वरीय है। चुप्पी को भाषण का सृजनकर्ता माना गया है, जाहिर तौर पर माना भी जाना चाहिए। बहुत से भाषणों का सिर पैर समझ में नहीं आता। इन भाषणों में विराम और बल की कमी के कारण भटकाव नजर आता है। लिहाजा बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए, पुलिस अधिकारियों की बात सुनिए, खाने के समय पारिवारिक बातचीत को गौर से सुनिए। आपको एहसास होगा कि स्वाभाविक रूप से विराम का उपयोग बातचीत को प्रभावशाली बनाता है। दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर एक अस्वाभाविक दबाव हावी हो जाता है। नतीजतन वक्ता इस प्राकृतिक सिद्धांत को भूल जाता है। वक्ता को इस दबाव से उबरकर वास्तविक प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहिए। दो, विराम का अंतराल संदेश का महत्व स्पष्ट करने में सहायता करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। इस प्रकार गति का सबसे निपुण उदाहरण लय है। ठहराव भी लय का अहम हिस्सा है। सटीक ठहराव के लिए प्रकृति के नियमों का अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण, दिन रात, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु, इन सभी मौसमों के बीच एक ठहराव होता है। इसके अलावा दिल की धड़कनों के बीच भी ठहराव की भूमिका अहम होती है। विराम का उपयोग कीजिए और दर्शकों को गंभीरता से विचार के महत्व को समझने का मौका दीजिए। दर्शक चुप्पी के बाद कही बात बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए जब किसी शहर में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाते हैं तो मोटर गाड़ियों की आवाजें उन्हें चौंकाने का काम करती हैं, जबकि शहरी लोगों पर उन आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शहरी लोग चारों ओर मोटर गाड़ियों के लगातार शोर शराबे के आदि हो जाते हैं। जो लोग कभी कभी शहर आते हैं उन्हें ये आवाजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। दरअसल लंबे अंतराल के बाद शोर शराबे का माहौल ज्यादा ध्यान भटकाता है। लंबे समय तक रेलगाड़ी में सफर करने के बाद रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट पर ध्यान नहीं जाता। यदि आप दूर टंगी दीवार घड़ी की टिक टिक ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो थोड़ी देर में आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। दरअसल ऐसा करते वक्त आप वातावरण में मौजूद बाकी आवाजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं और टिक टिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दर्शकों के ध्यान का सिद्धांत भी इसी नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम को समझिए और इसके लिए खुद को तैयार कीजिए। इस नियम को बार बार दोहराइए। एक ठहराव के बाद सोचा गया विचार ज्यादा प्रभावशाली होता है। रात के मुकाबले सुबह कही बात ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि रात में नींद के द्वारा मिले विराम की वजह से सुबह एकाग्रता ज्यादा होती है।
बाइबल के पहले पृष्ठ पर साफ तौर से उल्लेखित है कि ईश्वर की सृजन शक्ति को एक ठहराव के बाद सातवें दिन बल मिला था। आप आश्वस्त हो गए होंगे कि दर्शकों का दुर्बल एवं अनंत दिमाग भी इसी तरह ठहराव की अपेक्षा रखता है। प्रकृति का अनुसरण करें, उसके नियमों पर ध्यान दें और भाषण के दौरान इन नियमों का पालन करें। 3. ठहराव से असमंजस की प्रभावशाली स्थिति पैदा होती है। जीवन में संदेह से एक प्रकार की रुचि पैदा होती है। यह रुचि भाषा शैली से भी जन्म ले सकती है। नाटक या उपन्यास में कथा वस्तु का उल्लेख शुरू में ही कर दिया जाए तो पाठक की रुचि खत्म हो जाती है। स्त्रियों की प्रवृत्ति में संदेह पुरुषों में जिज्ञासा पैदा करता है। सर्कस में कलाबाजी करने वाला कलाकार कलाबाजी करने से पहले कई बार नाकाम कोशिश करता है ताकि दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हो सके। इस जिज्ञासा को भांपने के बाद ही कलाकार कामयाब कलाबाजी का प्रदर्शन करता है। करतब दिखाने से पहले की जानलेवा तैयारियों के द्वारा कलाकार दर्शकों की उम्मीद को बढ़ा देता है और इस दौरान दर्शक पेश किए जाने वाले अद्भुत करतब का इंतजार करते हैं। हम केवल इंतजार नहीं करते बल्कि इस इंतजार की सराहना भी करते हैं। यदि किसी करतब में मछली झट से छलांग लगाकर किसी चीज को पकड़ ले तो थोड़ी देर में ऐसा खेल नीरस महसूस होने लगता है। शेरलॉक होम्स की कहानियों में मौजूद असमंजस ही पाठक को बांध कर रखता है। पाठक रहस्य खुलने तक बेहद रुचि के साथ इंतजार करता है। रहस्य का खुलासा यदि कहानी के बीच में कर दिया जाए तो यकीनन बाकी के हिस्से के लिए पाठक की रुचि खत्म हो जाएगी। विकी कॉलिंस का काल्पनिक कहानी लिखने का नुस्खा भाषण की कला पर भी बराबर लागू होता है। पाठकों को हंसाएं, रुलाएं और इंतजार करने के लिए विवश करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंतजार कराएं। दर्शकों को इंतजार करने के लिए प्रेरित करने वाला कलाकार हंसाने या रुलाने का काम नहीं कर सकता। प्रशिक्षित लेखक असमंजस बनाए रखने के लिए ठहराव के सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एक भाषण में विलियम ब्रायम ने कहा था कि उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी, और फिर वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। इस अंतराल में दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा हुई कि किसे सुनकर विलियम को सम्मानित महसूस हुआ। ईसाई धर्म के महान प्रचारक, और वो फिर रुक गए। जिस व्यक्ति की वो चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को उनके बारे में बेहद कम जानकारी थी, लेकिन दर्शकों ने इसके बावजूद उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश जारी रखी। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, ड्विट एल मूजी। ब्रायन फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, मैं उनका सम्मान करने लगा। इसके बाद वे फिर चुप हो गए और एक बार फिर दर्शकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दर्शक सोचने लगे कि मूडी का किस प्रकार सम्मान करने लगे। तब उन्होंने कहा कि एक महान उपदेशक के तौर पर। यदि भाषण के इस हिस्से से ठहराव को हटा दिया जाए तो परिणाम कुछ इस तरह से होगा, उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी, ईसाई धर्म के महान प्रचारक ड्विट एल मूडी, मैं उनका सम्मान करने लगा एक महान उपदेशक के तौर पर। एक अकुशल वक्ता इस प्रस्तुति को ठहराव और संदेह की कमी के जरिए नीरस बना सकता है। इन छोटी छोटी बारीकियों का सूक्ष्म अंतर एक कामयाब और नाकाम वक्ता के बीच की दूरी होता है। 4. सटीक ठहराव से महान विचार और प्रभावशाली हो जाता है। कोई भी किसान आपको समझा सकता है कि मूसलाधार बारिश का पानी तेज गति से बहकर दूर चला जाता है और फसल के लिए उम्मीद से कम लाभदायक होता है। इसी प्रकार यदि भाषण की गति तेज है तो दर्शक वक्ता के भाव और विचार को नहीं समझ पाते। किसान की पत्नी भी कपड़े धोने के लिए इसी नियम का पालन करती है। गंदगी दूर करने के लिए कपड़ों को घंटों पानी में भिगोया जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर हम इस नियम का पालन करते हैं तो भाषा शैली में इस नियम को क्यों नकारा जाए। दर्शकों के समक्ष किसी महान विचार को प्रस्तुत करने से पहले कुछ क्षण रुकें ताकि दर्शकों को विचार की गहराई तक जाने का मौका मिल सके। अपने भाषण को एक दिन में न्यूयॉर्क घुमाने का दावा करने वाले गाइड की तरह जल्दबाज न बनने दें। ये गाइड मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय में रखी श्रेष्ठ कृतियों की झलक केवल 15 मिनट लेने देते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दर्शन 10 मिनट में करा देते हैं। जल जीवालय की बस एक ही झलक मिल पाती है। ब्रुकलिन ब्रिज को अफरा तफरी में पार करवाते हैं। चिड़ियाघर में भी जल्दबाजी हावी होती है और इसके बाद ग्रैंड टोम पर वापस ले आते हैं, और इसी अफरा तफरी को न्यूयॉर्क दर्शन का नाम दे दिया जाता है। यदि आप भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु पर सही ठहराव का प्रयोग नहीं करेंगे तो निसंदेह दर्शक आपके विचारों को नहीं समझ सकेंगे। ध्यान रखें कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना आपके आसपास बसने वाले अरबपतियों के पास। दर्शक वक्ता का इंतजार करते हैं। कैलिफोर्निया के मशहूर लाल सागौन पेड़ सुकरात की मृत्यु से 500 साल पहले उपजने के बावजूद आज भी युवा अवस्था में है। प्रकृति के धैर्य को देखकर स्वयं के उतावलेपन पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। चुप्पी दुनिया के सभी भावों के मुकाबले ज्यादा मनहरण होती है।
इस कला पर दक्षता हासिल कीजिए और ठहराव के जरिए इसका उपयोग कीजिए। विराम और ठहराव के सटीक प्रशिक्षण के लिए आगे दिए संकलन में अल्प विराम के संकेतों का इस्तेमाल किया गया है। स्वाभाविक रूप से आप इन संकेतों का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर भाषण के महत्व और अर्थ को बदल सकते हैं। ये मुख्यतः निजी प्राथमिकता का विषय है। एक दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने अपने अंदाज में हैमलेट के किरदारों को निभाया है। किस कलाकार ने किरदार पूरी निपुणता से निभाया, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। निजी अंदाज को उजागर करने से ही मनचाही कामयाबी मिलती है। एक क्षण का विराम व्यक्तित्व को शेष भीड़ से पृथक कर देता है। यह आश्चर्य की बात है, प्रेतों का काफिला पहुंच चुका है और अब तक कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। अरे जल्दी करो, जिन सांसारिक उम्मीदों की चाह में व्यक्ति का दिल धड़कता है वो राख हो जाती हैं। क्या उस गुमनाम बर्फ की तरह होती हैं जो रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे को कुछ समय के लिए ढंक देती है। समय की चिड़िया के पास उड़ने के कई साधन होते हैं, जबकि एक वास्तविक चिड़िया अपने पंखों के सहारे ही फड़फड़ाती है। आपने गौर किया होगा कि विराम चिन्ह का ठहराव के सिद्धांत से खास वास्ता नहीं होता। आप भाषण के किसी भी हिस्से को तेजी से पढ़ सकते हैं और कहीं भी विराम ले सकते हैं, अर्थात विचार का महत्व विराम चिन्ह से ज्यादा होता है। एक कविता की पुस्तक, मदिरा का प्याला, पाव रोटी का बड़ा सा टुकड़ा और बीहड़ में गीत गाते हजारों कंठ। ओह, बीहड़ का सौंदर्य स्वर्ग समान होता है। बायरन द्वारा लिखित संकलन में विराम संकेतों पर ध्यान दीजिए। लेकिन वे गहरी आवाजें एक बार फिर से सुनाई दे रही हैं, पहले से ज्यादा निकट, साफ और घातक। थड़ाम थड़ाम तोप के गरजने की आवाज। इन स्वाभाविक विभिन्नताओं के महत्व पर लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि आम बातचीत करते वक्त जहन में शब्दों और मुहावरों का ताना बाना बनने लगता है और हम सही शब्द या मुहावरा चुनने के लिए हल्का सा रुक जाते हैं। इसी प्रकार भाषण के दौरान सांस लेने के लिए रुकें और पूरी सांस भरने के बाद ही दोबारा बोलना शुरू करें। जल्दबाजी से भाषण का सौंदर्य कम हो सकता है। सावधानी के तौर पर एक हिदायत बेहद जरूरी है, विराम और ठहराव के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। विराम के ज्यादा अभ्यास से भाषा शैली बोझिल और अस्वाभाविक हो सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि विराम किसी आम विचार को महत्वपूर्ण साबित करने का काम नहीं कर सकता। आपको प्राचीन हास्यास्पद रचना मिडनाइट मर्डर का व्याख्यान याद है, जिसकी शुरुआत बहुत ही आडंबर पूर्ण तरीके से हुई और अंत बेहद रोमांचकारी रहा। अंत कुछ इस प्रकार का था, और उसने निष्ठुर ढंग से मच्छर की हत्या कर दी। अंतिम पंक्ति में विराम को कुछ इस नाटकीय ढंग से पेश किया गया कि दर्शक हंसी पर काबू नहीं रख सके। हास्यास्पद भाषण में भाषा की यह शैली कारगर सिद्ध होती है, लेकिन गहन और गंभीर भाषण प्रस्तुत करते वक्त हास्यास्पद ढंग का उपयोग भाषण का प्रभाव क्षीण कर देता है। अर्थात भाषण के दौरान विराम की गंभीरता और लहजे की सहजता को समझना बहुत आवश्यक है। अध्याय 7, सुर बदलने की दक्षता। हार्बर्ट स्पेंसर ने इस लय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लेखक ने बातचीत के दौरान सुर बदलने के सिद्धांत को महत्व दिया है और बड़े भावनात्मक तरीके से ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह कितना सच प्रतीत होता है कि शब्दों के मुकाबले सुर में उतार चढ़ाव से कथन के भाव को ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। सुर में उतार चढ़ाव की मामूली प्रतिभा से भाषा का प्रस्तुतिकरण कई गुना प्रभावी हो जाता है, और सुर के उतार चढ़ाव की इसी कला को विभक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्गत सुर में बदलाव की कला और ज्यादा अहम है। मुहावरों के मुकाबले इस कला का उपयोग शब्द के बीच करना बेहद महीन काम है। शब्द बिखरी ईंटों के समान होते हैं, लेकिन सुर बदलने की कला के द्वारा इन ईंट समान शब्दों से रास्ता, गोदाम या गिरजाघर तैयार किया जा सकता है। सुर बदलने की कला शब्दों को नया अर्थ प्रदान कर सकती है। इसी आधार पर एक पुरानी कहावत की रचना की गई है, क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहा गया है यह महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर की रचनाओं पर टिप्पणी करने वाली शख्सियत श्रीमती जेम्सन ने सुर बदलने से संबंधित एक तीक्ष्ण उदाहरण दिया है।
लेडी मैकबेथ के जैसा दिखने के लिए श्रीमती सिंडोस ने हम नाकाम रहे भाव को तीन अलग अलग भाव से पेश किया। सर्वप्रथम तिरस्कारपूर्ण प्रश्न के तौर पर, हम नाकाम रहे। इसके बाद अचरज जताते हुए, हम नाकाम रहे। आश्चर्य को दर्शाने के लहजे के साथ हम पर विशेष जोर देते हुए, हम नाकाम रहे। अंत में परिणाम को पुख्ता करने की मंशा से वो सहमते हुए, जो मेरे ख्याल से सबसे सटीक भाव था, हम नाकाम रहे। एक सामान्य अंतराल में स्वर को धीमा, गहरा और गंभीर करते हुए, जैसे उसने मामले का निपटारा करते हुए कुछ इस तरह कहा हो, यदि हम नाकाम रहे तो क्यों रहे, अब सब खत्म हो गया है। विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता का एहसास प्रशिक्षण के आखिरी दौर में होता है। स्वाभाविकता दर्शाने के लिए सुर में बदलाव की कला का उपयोग आवश्यक होता है। सुर बदलने की कला के अभाव में एक रूपता झलकने लगती है। सुर बदलने की कला में सुर चढ़ाने और गिराने का अभ्यास किया जाता है। सुर से संबंधित प्रतिभा असाधारण होती है। सुर के बीच पैदा किया गया महीन अंतर का प्रभाव बेहद व्यापक होता है। सुर बदलने की कला के द्वारा विभिन्न सुरों को जन्म दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेजी से सुर को चढ़ाना, लंबे अंतराल तक सुर को खींचना, सपाट सुर, लंबे अंतराल तक गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने वाला सुर, तेजी से चढ़ने गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने चढ़ने वाला सुर, हिचकिचाहट। दरअसल सुर में विभिन्नता की कोई सीमा नहीं है। इन उदाहरणों में सुर में बदलाव के सामान्य सिद्धांत यानी सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से होने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। अलग अलग विचार और भावनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न सुरों को सूचीबद्ध करना नामुमकिन है। इस कला के प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। अभ्यास सुर में बदलाव की कला पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए इस साधारण वाक्य को ही ले लीजिए, हो ये एकदम ठीक है। ध्यान दीजिए कि कैसे सुर बदलने के जरिए फीकी सराहना, विनम्र संदेह और विचारों की अनिश्चितता को व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि कैसे समान भाव को दर्शाने में गिरता हुआ सुर, निश्चय, अच्छे आचरण के साथ सहमति, उत्साहपूर्ण सराहना आदि को प्रदर्शित करता है। साधारण तौर पर ऊंचा सुर शंका और अनिश्चितता का भाव पैदा करता है, जबकि गिरते हुए स्वर से निश्चितता का बोध होता है। छात्र ये साबित करने के लिए कि उनका भाषण कुछ खास बुरा नहीं था, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत नीचे स्वर में भाव व्यक्त करने वाले छात्रों को कथन की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति को अलविदा कहने की कल्पना करें जिससे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं, फिर उस मित्र को जिससे मिलने की संभावना बेहद कम है। इन दोनों भावों में सुर के बदलने का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। चाय पर किसी कम पहचान की महिला से अलविदा कहते समय, आपके साथ बिताया गया समय बेहद सुखद था। आपका भाव और प्रेमिका के साथ बिताए गए समय के बाद इस भाव का प्रस्तुतिकरण समान नहीं होता। दोनों स्थितियों में सुर के बदलाव के अंतर को महसूस किया जा सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सुर में बदलाव की प्रक्रिया बेहद अप्रत्याशित होती है। एक एक शब्द के बीच बेहद महीन बदलाव, भाषण के दौरान सुर में तेज और बेहद धीमे बदलाव से इस कला को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी नहीं नकारा जा सकता कि कभी कभी सुर में तेज और धीमे बदलाव की भी आवश्यकता होती है, पर जाहिर तौर पर यह सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही कारगर सिद्ध होता है। इस अगले वाक्य का उच्चारण कीजिए, और फिर भी मैंने जो कहा स्पष्ट कहा। अब इस वाक्य के विभिन्न मतलब निकालने के नजरिए से महत्वपूर्ण शब्दों के सुर बदलने की कोशिश कीजिए। इस दिए गए उदाहरण में सुर को केवल दो शब्दों के लिए बदलने की सलाह ही दी गई है, स्पष्ट कहा। लेकिन हकीकत में अलग अलग शब्दों के स्वरों को बदलकर वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि शब्दों के उच्चारण में सुर का बदलाव आवश्यकता से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सुर में जरूरत से ज्यादा बदलाव भाषा को बनावटी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे एक परिपक्व गृहिणी चुलबुली अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये एक स्वाभाविक भाव और बिना इरादे किए गए मजाक के बीच एक महीन पर्दे के समान है।
अपने सुर का स्वयं विश्लेषण कीजिए, उदाहरण के तौर पर ओ नहीं, या फिर ओ मैं समझा। और वास्तव में इन भावों को सुर के बदलाव के जरिए अलग अलग मतलब देने की कोशिश कीजिए और धैर्य पूर्वक इसकी समीक्षा कीजिए। नियमों की पुस्तक के मुकाबले ये अभ्यास विषय को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा अंतर्मन की आवाज पहचानना भी महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्याय 8, भाषण शैली में एकाग्रता। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरें और साथ ही अपने सीने को थपथपाएं। तालमेल का सही अभ्यास होने तक ये क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। एक ही समय पर दो या तीन काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग एक समय में दो विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने दो विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे दो विचारों के बीच बेहद समानता होती है, लिहाजा हमें लगता है कि ये एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्य की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में ये प्रभाव फीका पड़ जाता है, लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक हो जाता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यान पूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित कर दिया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। निसंदेह भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक वाक्य बोलते समय दूसरे वाक्य के बारे में सोचना हानिकारक होता है। किसी गहन विचार को एकाग्रता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निसंदेह एकाग्र व्यक्ति विचारों के भाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है। भाषण की तैयारी के समय वक्ता विचार और भावनाओं को केंद्रित करता है। स्वाभाविक विराम के दौरान अभ्यस्त वक्ता आगामी विचारों पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति की तैयारी करता है, लेकिन भाषण के दौरान केवल बोलें, पूर्वानुमान न करें, एकाग्रता के साथ शक्तियों को भी बांटें। उदाहरण के लिए इस पर ध्यान दें, आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? हैमलेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। ये एक प्राचीन समस्या है। शब्दों का सपाट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रटा हुआ भाषण कितना खोखला महसूस होता है? क्या आपने कभी एक लय और तेज स्वर में दोषारोपण करने वाले अप्रभावी कलाकार, वकील या उपदेशक को सुना है? ऐसे लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। पेशेवर लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि महत्वपूर्ण भाव को सपाट तरीके से व्यक्त करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, लिहाजा महत्वपूर्ण भाव को दृढ़ता से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तुति वक्ता और दर्शक दोनों के लिए कष्टदायक होती है। इस लिहाज से तो तोते को भी वाक्पटु माना जा सकता है। शेक्सपियर ने बड़े ही सटीक उदाहरण के साथ समझाया है कि मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, विचार सतह पर रहते हैं, बिना सोचे बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। निपुण वक्ता होने के नाते शब्दों को बार बार नया जन्म देना चाहिए। इस प्रकार भाषण से एक रूपता के बादल छंट जाते हैं। शब्दों के पीछे छिपे स्वाभाविक, हार्दिक
ताजा और सहज विचार भाषण की प्रस्तुति को जीवंत बना देते हैं। शब्द अभिव्यक्ति का परिणाम होते हैं। कारण को प्रोत्साहित किए बिना परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? क्या आपने विभिन्न शब्दों के दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दिया है? गौर करें कि किस प्रकार एक कांच का टुकड़ा संपूर्ण सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को केंद्रित करता है। एकाग्र न हो सकने वाले व्यक्ति में या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है, या वो घबराहट की बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर उसे इच्छा शक्ति के महत्व की जानकारी ही नहीं होती है। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है। शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाएगा। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीजों से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें, कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें। निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। आत्मशक्ति से संबंधित अध्याय को ध्यान से पढ़ें। इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें। हर कीमत पर ध्यान लगाएं, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। बल। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की जुबान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव से ऊपर उठने में नाकाम रहे हैं। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निसंदेह ऐसे नाटक त्रासदी से कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने के खास प्रयास नहीं किए जाते। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन नाटकों को जल्दी भुला दिया जाता है। बल क्या है? पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कई गुप्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति का कारण है तो दूसरा नतीजा। एक शक्ति वास्तविक है और दूसरी ईश्वरीय। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है। ये कला गंधक पोटाश के समान नहीं होती, जिसमें विस्फोट के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। व्यक्ति की बाहरी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति अंतर मन से जन्म लेती है। ये सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेज आवाज में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ऐसे कुछ पल जरूर होते हैं जब भाषण के किसी हिस्से को तेज आवाज के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म चार महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेख इंग्लैंड के टीआर में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह रही है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है? इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है।
थियोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे की भाषण देते वक्त खींची गई तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उन वक्ताओं के जबड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खींची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरीके से काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है। धनुष की प्रत्यंचा के खिंचाव और प्रत्यंचा खींचने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजित शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रवाहित हो जाती है। इस संयोजित शक्ति को उजागर करने के लिए इसे ढीला छोड़ना आवश्यक होता है। यही वो शक्ति है जो दर्शकों को सतर्क बनाती है। दर्शक वक्ता की जुबान से बरसने वाले शब्दों की बौछार का उत्सुकता से इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार ये इंसानी फितरत है। एक गुड्डे में निश्चय और भावनात्मक तनाव जैसे जज्बात को नहीं डाला जा सकता। यदि आप भाषण रूपी चबूतरे की लकड़ी के बुरादे की गद्दी लगाने की सोचें तो स्वाभाविक है कि आपके भाषण की फूंक खुद ब खुद निकल जाएगी। निश्चय और तनाव की विकसित प्रतिभा से दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का भरोसा पैदा होता है। उद्देश्य को बल की आधारभूत शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में भाषण कमजोर पड़ जाता है। इससे चमक तो पैदा हो सकती है, लेकिन यह चमक बिना रीढ़ की हड्डी वाली जेली मछली के समान महत्वहीन होती है। जिस रफ्तार से आप दर्शकों पर पकड़ बनाते हैं, उसी रफ्तार से आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अंततः यदि विश्वास, तनाव और उद्देश्य के मिश्रण से लक्ष्य को गति नहीं मिल रही है तो इसका प्रयोग निरर्थक साबित होता है। अपनी शक्ति को नीरसता में तब्दील न होने दें, उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। क्या बल को अर्जित किया जा सकता है? हाँ, इस बल को अर्जित करने की इच्छा रखने वाला वक्ता उक्त प्रतिभा को हासिल कर सकता है। इस विश्लेषण के द्वारा इस कला पर पकड़ बनाने के सुझाव दिए गए हैं। विषय पर विश्वास कायम करने तक भरोसे को अडिग रखें। यदि विचार जहन में तनाव पैदा नहीं कर पा रहा है तो एहसास को जागृत करने की कोशिश जारी रखें। यदि हिम दरार को लांघना जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो जाए तो किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मौके पर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में खुद ब खुद लचक महसूस करने लगता है। इसी प्रकार भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए वक्ता प्रेरणा खोजने के स्तर से ऊपर उठ जाता है। अर्थात भाषा में निपुणता हासिल करने में भी इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा करती है। ये तथ्य दोहराने योग्य हैं। दक्षता हासिल करने में इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। इच्छा शक्ति की लौ जलाए रखने के लिए दर्शक या फिर आप खुद प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इंजन कितना भी उत्तम हो, ईंधन के अभाव में उससे काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार विराम, स्वर के उतार चढ़ाव और सुर के बदलाव में अभ्यस्त वक्ता में ऊर्जा का अभाव प्रस्तुति को अप्रभावशाली बना देता है। भाषण में बल पैदा करने के चार महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं: विचार, विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। इस अंक में इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर सटीक शब्दों का चयन। इसके जरिए व्याख्यान की कला बेहद प्रभावशाली हो जाती है। भाषण में बल स्थापित करने के लिए आगे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दें। सटीक शब्दों का चयन। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले खत्म ज्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आम तौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई, इसके मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली, इससे भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है।
शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना इसके मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना, इस जैसे शब्दों से भाव ज्यादा भद्र और प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों को क्रमबद्ध करना। वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। प्रोफेसर बैरेट वेंडल के मुताबिक प्रतिष्ठावान शब्दों के साथ वाक्य का अंत करें। कमजोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। निरर्थक शब्द को भाषण से छांटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा है, विषय के दिलचस्प हिस्से पर निर्भर होने से प्रभाव नहीं जमता, उसके मूल भाव, स्पष्ट तौर पर की गई व्याख्या और प्रस्तुति का सौंदर्य दर्शकों को आकर्षित करने में ज्यादा कारगर साबित होता है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक आकर्षित करने के मुकाबले उसे मोहित करना ज्यादा उत्तम तरीका है। बल का प्रयोग क्यों किया जाए? यह नजरिया वास्तविकता के बेहद करीब है, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। स्पष्टता, धारणा, सौंदर्य एवं सत्य की साधारण व्याख्या करना आवश्यक होता है। निश्चित ही इन गुणों के मिश्रण से प्रस्तुतिकरण में चार चांद लग जाते हैं। छोटे मोटे प्रहार की परवाह करने वाले वक्ता आक्रामक संदेश देने में विफल साबित होते हैं। जिस तरह सख्त चमकीले पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मात्र सहजता से दर्शकों में जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। दर्शकों से भरे मंच के सम्मुख अभिनय करते समय यदि आप भावुकता के साथ कहें, मुझे लगता है कि नाट्यशाला में आग लग गई है, तो जाहिर तौर पर दर्शक हंसी से फूट पड़ेंगे। यदि इस भाव को चिंता और बौखलाहट के साथ व्यक्त किया जाए तो दर्शक एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर के दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देंगे। वक्ता के मिजाज और भाषा के प्रभाव से संदेश दृढ़ हो जाता है। किसी यादगार भाषण में मुझे लगता है मुझे पता लगाना होगा, मेरी राय में शायद ये सच है, इन जैसे भावों का उपयोग नहीं किया गया है। वक्ताओं के आत्मविश्वास और निर्भीक भाषण शैली ने ही महान व यादगार भाषणों की नींव रखी है। दरअसल इन वक्ताओं ने शब्दों के जरिए अविनाशी सत्य को जाहिर करने की हिम्मत दिखाई है। ईसा मसीह के बारे में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति ईसा मसीह का प्रवचन बहुत आनंद से सुनते थे। मगर क्यों? दरअसल ईसा मसीह पूर्ण विश्वास के साथ शिक्षा प्रदान करते थे। दर्शकों पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक क्या सही है और आपकी मान्यता क्या है। भाषण में दर्शकों को आकर्षित करने की ऊर्जा होनी चाहिए। बोलने से पहले विचार की सत्यता को परखा जाना चाहिए, फिर उस विचार को ब्रह्म सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक विचार की सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए। विचारों की घोषणा चुनौतीपूर्ण लहजे में करनी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि चुप रहें। एक कट्टर विचार वाले युवा मंत्री में वो कौन सी शक्ति होती है जो हठधर्मी होने के बावजूद दर्शकों को प्रोत्साहित करने में कामयाब हो जाता है? मेरे दोस्तों, जो मैं आपको मानता भी हूं, कर्तव्य के नाते आपको बताना चाहता हूं कि पश्चाताप ही पापों को धोने का सही मार्ग है। पश्चाताप से पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं, साथ ही सत्य के मार्ग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई ये है कि यदि मैं भी आपको यही शिक्षा देने लगूंगा तो सभी लोग पश्चाताप का मार्ग अपना लेंगे, फिर यहां कोई नहीं बचेगा। प्रभावशाली भाषण में एक युग से संबंधित दर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। आज के दौर में उत्साहहीन और बेमन से प्रस्तुत किए गए भाषण को कोई नहीं सुनना चाहता। आज के युग में समाज दुनिया भर की जानकारी रखता है।
लिहाजा भाषण और विचारों को प्रचलित करने के लिए वक्ता को दर्शकों के मिजाज को समझना चाहिए। पहली कतार में बैठकर किसी प्रसिद्ध नाट्य रचना को गौर से देखिए। ध्यान रहे कि रोमांचक नाट्य रचना हास्य रचना नहीं। नाटक देखते समय कहानी से आप अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लीजिए और प्रस्तुतिकरण की तकनीक एवं कलाकारों के अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाटक के अंत में अभिनय में विशेष आकर्षण एवं प्रबलता का अनुभव होगा। इस अध्याय में यही प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दरअसल पूर्ण रूप से सुनियोजित, नियंत्रित और कोमलता से किया गया बल प्रयोग दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ने का काम करता है। बल का प्रयोग कब किया जाए? दर्शक और स्वर्ग के राज्य निवासी समान होते हैं। दर्शकों को जबरदस्ती मोहित नहीं किया जा सकता। भाषण के एक बेहद नाजुक पहलू पर सौंदर्य और शांति को एक ही भाव में घोलना पड़ता है। बल की उत्पत्ति विरोधाभास के दो अनंत किनारों में से किसी एक किनारे पर होती है। इनमें से किसी एक किनारे यानी कि बल या शांति को भाषण का आधार नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों भावों का सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। भाव के निरंतर उतार चढ़ाव से दर्शकों को आकर्षित करने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सूर्योदय के सौंदर्य की व्याख्या करते समय जितना जोर चिड़ियों के चहचहाने, फूलों के खिलने और प्राकृतिक सुंदरता पर देना चाहिए, वहीं लोगों की चहल पहल, शोर शराबे और दूर से आती रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट का जिक्र भी उसी उत्सुकता से किया जाना चाहिए। ऐसे व्याख्यान में दर्शकों की सोच को खुलने का भरपूर मौका दें। याद रखें कि कई दिमागी तिजोरियों की चाबी खो चुकी होती है। इन तिजोरियों को खोलने का प्रयास करें। जब मैं इस भाव को समझाने की कोशिश करते हुए लिख रहा था, निश्चित रूप से उसी वक्त कहीं कोई ठेकेदार किसी इमारत के लिए जमीन एक सार करने की मंशा से पहाड़ियों को बारूद से उड़ा रहा होगा। अर्थात कार्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बारूद से नहीं घबराना चाहिए। भाषण के दौरान प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आखिरी तर्क यही है कि विचार का आधार तैयार करने के लिए व्यापक एवं स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ भाषणों को सुबह के प्रसारण में विशेष स्थान दिया जाता है। अब प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण की वजह से बहुत से बयान अपरिपक्व एवं बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए महसूस होते हैं, लेकिन दिलचस्प है कि दर्शकों का ध्यान खींचने में यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अतः ध्यान रहे कि भाषण तैयार करते वक्त हल्के विचारों को कमजोर कड़ी न बनने दें। ऐसी स्थिति में दर्शक भाषण के लचीलेपन को भांप लेते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान ग्रीस के महान मूर्तिकार फिडियास ने मूर्ति के बाहरी किनारों पर लापरवाही से गाढ़ी रेखा खींची। उस लापरवाही के लिए आलोचना का दौर शुरू हो गया, लेकिन फिडियास ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति और दूसरे मूर्तिकारों की मूर्ति को उस ढांचे में रखा जाए जो मूर्तियां स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो आश्चर्यचकित रूप से फिडियास के द्वारा मूर्ति के चारों ओर खींची गई गाढ़ी रेखाएं ज्यादा आकर्षित सिद्ध हुई। इस तरह फिडियास की मूर्ति से संबंधित सभी शंकाएं और आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से प्रशंसा में परिवर्तित हो गईं। इसी तरह भाषण के ढांचे को तैयार करते समय भी केवल बल देने योग्य पहलुओं पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अंदाज में यदि आप आक्रामक रवैये को पसंद नहीं करते हैं, तो जैसा कि वेंडेल फिलिप्स ने कहा है कि इस स्थिति में बल के द्वारा भाषण में सहज प्रभाव डालने की कोशिश करें, विचारों को सांस लेने और शब्दों को जीवन देने का प्रयास करें। बिरेल के अनुसार प्रत्येक वाक्य को वैद्युत बिल्ली के खिलौने की तरह झटका और चिंगारी पैदा करने योग्य बनाए। भाषण में मौजूद महत्वपूर्ण भाव को विशेष बल देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। भोज के उपरांत एवं अन्य मौकों पर बोलना। बेतु का नजरिया विवेकपूर्ण एवं महान कार्य की कुंजी होता है। रॉल्फ वॉल्ड एमर्सन। उसे विश्वस्त रहने दो कि अन्य लोग बोलने का मौका छोड़ देंगे। फ्रांसिस बेकन। संभवतः सबसे शानदार एवं सबसे ज्यादा मनोरंजक भाषण रात्रि भोज या कुछ ऐसे ही अवसर पर प्रस्तुत किए गए हैं। किसी अवसर से संबंधित भाषण तैयार करने के लिए
सर्वप्रथम उपलक्ष्य को समझना चाहिए, सभा के मुख्य उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, दर्शकों के लिए अवसर की महत्ता को समझना चाहिए, दर्शकों की संख्या का बोध होना चाहिए, सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए, मंच की भव्यता का पता होना चाहिए, वक्ताओं के लिए भाषण का विषय तय करने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए, भाषण में हिस्सा लेने वाले अन्य वक्ताओं के विषय की जानकारी होनी चाहिए, अन्य वक्ता किस मुद्दे पर बोलेंगे इसका पता लगाना चाहिए, वक्ता के भाषण के अंतराल का बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसके बाद किस वक्ता को बोलने का मौका दिया जाएगा, प्रभावशाली परिणाम हासिल करने के लिए किन प्रश्नों का महत्व समझने की आवश्यकता होती है। अवसर के मुताबिक बोले जाने वाला भाषण बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा केवल इसीलिए नष्ट हुई क्योंकि उन्होंने अवसर के महत्व को नजरअंदाज किया या अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखा। अवसर और उपलक्ष्य से भटका हुआ भाषण दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता। किसी अवसर पर बोलने की प्रक्रिया में अनुकूलता का विशेष महत्व होता है। मार्क ट्वेन ने सन 1877 में टेनेसी की सेना के लिए आयोजित पुनर्मिलन समारोह के दौरान जाम हाथ में लेकर बच्चों की सफलता के लिए गिलास बाकी लोगों के जाम के साथ टकराए। रात्रि भोज के बाद दिए गए इस भाषण में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, शानदार प्रस्तावना जिसने आसानी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, और भाषण के दौरान सेना से संबंधित शब्दावली का हास्यपूर्ण उपयोग। माननीय अध्यक्ष, भद्र सभाजनों एवं बच्चों, बच्चों शब्द ने विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया। हमें नारी रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हम कवि, लेखक, राजनेता और व्यापारी भी नहीं हैं। लेकिन जब बच्चों के नाम पर जाम टकराए जाते हैं तो हमारे भेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक समय में बच्चे ही थे। शर्म की बात है कि हजारों सालों से बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे इनका कोई महत्व ही ना हो। यदि आप सभी महानुभाव इस मुद्दे पर विचार करें, 50 या 80 साल पीछे झांककर अपने बचपन को याद करें, शादी के शुरुआती सालों को याद करें, अपनी पहली संतान के जन्म को याद करें, तो आपको एहसास होगा कि बचपन किसे कहते हैं और बच्चे का क्या महत्व होना चाहिए। जैसे जहाज को उसकी आवाज से पहचाना जाता है, ऐसा डोमिस थीन्स ने कहा है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है, चाहे वो ज्ञान से भरी हो या फिर मूर्खतापूर्ण हो। निश्चित तौर पर अवसर के मुताबिक भाषण प्रस्तुत करने की कला वक्ता की प्रतिभा की परीक्षा होती है। कुछ बेपरवाह लोग रात्रि भोज के बाद भी मौज मस्ती में लगे रहते हैं और अनजाने में विवादास्पद मुद्दों को छोड़ देते हैं। प्रथा के अनुसार भोज के दौरान कट्टर प्रतिद्वंदी भी आपस में बहस नहीं करते। भोज के बाद किसी कड़वाहट भरे प्रश्न से खाने का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। रात्रि भोज के बाद बोलने का अवसर हास्यास्पद विचारों को प्रस्तुत करने का मौका प्रदान करता है, विशेष रूप से कोई रोचक कहानी सुनाने का मौका। याद रहे, ऐसा अवसर भी विषय को आगे बढ़ाने का मौका प्रदान करता है। किसी घटना या व्यक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम, उद्घाटन, दीक्षांत समारोह, लोकार्पण, प्रशंसा समारोह और महफिल के अन्य विशेष अवसर निपुणता दर्शाने के मौके प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठित और साधारण तौर पर बोलने, ऊंची उड़ान उड़ने या दर्शकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोलने, भड़कने या फिर शांति के साथ पेश आने, उपदेश देने या फिर मधुरता से बोलने जैसे व्यवहार का चयन वक्ता स्वयं करता है। चयन की इस प्रक्रिया में भाषण का अवसर महत्वपूर्ण होता है। संक्षिप्त भाषण लिखने वाले वक्ता का भगवान भला करे, ऐसे वक्ता को बार बार भाषण के लिए बुलाया जाए। अध्याय 31, बातचीत को प्रभावित बनाना।
बातचीत के दौरान अधिक आत्मविश्वास पूर्ण व्यवहार एवं जरूरत से ज्यादा संकोच से बचना चाहिए। काटो, छात्रों के लिए बातचीत प्रयोगशाला एवं कार्यशाला के समान होती है। एमर्सन। W.E. ग्लैडस्टोन के पिता बातचीत को कला एवं उपलब्धि के समान मानते थे। रात्रि भोज के दौरान उनके घर में घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर वाद विवाद के प्रश्नों पर चर्चा करने की प्रथा थी। इस तरह घर के सदस्यों में अच्छा और प्रभावशाली बोलने की सकारात्मक होड़ शुरू हो गई। सड़कों पर होने वाले आम घटनाओं को गौर से समझा जाने लगा। किताब में मौजूद विचार की स्पष्टता को समझने की कोशिश की जाने लगी। निजी अनुभवों पर चर्चा होने लगी। इस प्रकार सालों चर्चा के माहौल में पले बढ़े ग्लैडस्टोन महान वक्ता के तौर पर प्रसिद्ध हुए। मंच पर पेश किए गए भाषण और समाचार पत्रों के मुकाबले बातचीत से सीखना ज्यादा लाभदायक साबित होता है। सुकरात ने जीवन के महान सत्यों को सभा के संबोधन के जरिए नहीं बल्कि निजी बातचीत के जरिए समझाया। लोग गोए थे कि पुस्तकशाला और कॉलेरिज के घर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को समझने जाते हैं। ऐसे विचारों के प्रचार प्रसार से कई देशों की संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती रही है। दुनिया के सबसे शानदार भाषण बातचीत के अंदाज में पेश किए गए हैं। कूटनीतिज्ञों के सम्मेलन, व्यापारियों के वाद विवाद, सामूहिक नीतियों पर विचार के अलावा राजनीति, कारोबार और समाज को प्रभावित करने वाले विचारों का जन्म साधारण बातचीत के जरिए ही हुआ है। ऐसे मौकों पर जो व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा नीति के दोनों पक्षों, लाभ हानि को प्रस्तुत करने में कामयाब होता है, उसका नाम सदा याद रखा जाता है। सामाजिक बातचीत के दौरान आत्मनियंत्रण रखा जा सकता है। घरेलू बातचीत में भी आत्मनियंत्रण रखना मुश्किल होता है, लेकिन मंच पर हजारों दर्शकों के समक्ष आत्मनियंत्रण रखना आसान नहीं होता। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच निपुण से निपुण वक्ता भी घबराहट महसूस करने लगता है। इसी समय शांत चित्त, सतर्कता, शब्दों की शुद्धता, स्पष्ट विचार और वाक चातुर्य जैसी प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। मंच पर घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन शुद्ध शब्दों और स्पष्ट विचारों से आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। दर्शकों के समक्ष भाषण प्रस्तुत करना किसी मुकाबले से कम नहीं होता। यदि दर्शकों के समक्ष बोलने में हिचकिचाहट होती है तो होम्स के इन शब्दों को याद कीजिए। जब आप बातचीत के दौरान अचानक से अटक जाएं, तो घबराहट में और खराब बोलने की जगह संयम से काम लें। ऐसे मौके पर आत्मविश्वास का सहारा लें। विचारों में भटकाव को संगठित करने की कोशिश करें। मस्तिष्क को बातचीत के मुद्दे पर केंद्रित करने का प्रयास करें और भटकाव से उबरने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आत्मबल के द्वारा ऐसी स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। प्रभावशाली ढंग से भाषण न प्रस्तुत करने का मतलब ही नाकामी होता है। बातचीत आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क को विषय पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। विचारों को लापरवाही से पेश करने से प्रभाव खत्म हो जाता है। कूटनीति का भी यही सिद्धांत है कि सही शब्द का इस्तेमाल सही वक्त पर किया जाए। पुराने विषयों और सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है, नई जानकारियां जुड़ती रहती हैं। इसी प्रकार भाषा भी निरंतर विकसित होती रहती है। विचारों का आदान प्रदान ही बातचीत का आधार होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बातचीत के महत्व को नजरअंदाज करते हैं। ब्रॉनसन एलकॉट अक्सर कहा करते थे कि अधिकतर लोग वाद विवाद कर लेते हैं, लेकिन बात करना कुछ ही लोगों को आता है। बातचीत के दौरान दूसरे लोगों के विचारों को सुनना अति आवश्यक होता है। बातचीत केवल दूसरे लोगों को सम्मान देने के लिए नहीं बल्कि मुद्दे को समझने के लिए सुननी चाहिए। कई वक्ता दूसरों के विचारों पर ध्यान की जगह केवल अपने विचारों पर ही मंथन करते रहते हैं। ऐसे वक्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत फीकी और अप्रभावशाली होती है।
कई बार वक्ताओं को लापरवाही की वजह से उपहास भी सहना पड़ता है। स्वयं की भावना उजागर करने से आनंद की प्राप्ति होती है। आंतरिक संतुष्टि कल्पना शक्ति को मजबूती प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कविताएं रचता है, कहानियां लिखता है। बातचीत का सबसे बड़ा आनंद ही ये है कि व्यक्ति को खुद के विचार उजागर करने की स्वतंत्रता मिलती है। बातचीत को एक ही ढंग से प्रस्तुत करने वाला वक्ता जल्द ही उबाऊ प्रतीत होने लगता है, क्योंकि ऐसा वक्ता दूसरे लोगों के विचार उजागर करने के समय को नष्ट करता है। वहीं दूसरे लोगों को बोलने का मौका देने वाले वक्ता को ज्यादा पसंद किया जाता है। जाहिर है कि खुद के विचार व्यक्त करना भी सभी को अच्छा लगता है, और उस पर वक्ता की ओर से उत्साहित प्रतिक्रिया मिल जाए तो प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है। विचारों का समर्थन करने वाले वक्ताओं को पसंद किया जाता है, और वही लोग दूसरे लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। व्यक्तित्व में ठहराव व्याकुलता दूर करने का पहला कदम होता है। इसके द्वारा फूहड़ आचरण, अस्पष्ट विचार, भाषा की अशुद्धि और स्वयं की गलती का पता लगाना आसान हो जाता है। यदि आपका ध्यान इन समस्याओं की ओर नहीं जाता है तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन समस्याओं से उबरने के लिए व्यक्ति को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। खुद की कमी पहचानने वाला व्यक्ति जल्द ही इन समस्याओं से उबर जाता है। एक, समस्या से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है। याद रहे कि इच्छा शक्ति हर स्थिति में बरकरार रहनी चाहिए। दो, खुद पर विश्वास मानकर चलें कि भाषण में प्रस्तुत किए जाने वाले विचार एकदम सही हैं। यदि आपको खुद के विचारों पर संदेह है तो विचारों की स्पष्टता तक चुप रहें। तीन, आत्मविश्वास हासिल करने के बाद दृढ़ता से अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। विचारों का सम्मान कीजिए और साधारण एवं स्पष्ट भाषा में व्याख्यान कीजिए। भाषा का उचित ज्ञान अर्जित कीजिए। विश्वास होना चाहिए कि साधारण भाषा बोलने में आप निपुणता हासिल कर चुके हैं। बातचीत से संबंधित संकेत। आम लोगों की रुचि से संबंधित किसी विषय का चुनाव करें। शाम की चाय के वक्त गैस इंजन की कार्य प्रणाली पर चर्चा करना या फिर पुरुषों की मनोरंजन सभा में फूल की किस्मों का व्याख्यान करना बहुत उबाऊ हो जाता है। किसी सभा में अपने हाथ पैरों की विकृति दर्शाना पुरुषों को शोभा नहीं देता। इसी प्रकार अपने दुखों का विलाप करना और किसी अन्य व्यक्तियों की कमी पर चर्चा करना भी पुरुषों का काम नहीं होता। आम जनता सुखद अंत वाले नाटक एवं किस्सों को सुनना पसंद करती है। सारी दुनिया खुशी की तलाश में है। आमतौर पर समस्याओं एवं दुखों को सुनना पसंद नहीं किया जाता है। जॉर्ज कोहान ने 30 साल की उम्र तक कई हंसमुख नाटक लिखकर करोड़ों रुपए कमाए। इनका यह सिद्धांत आम बोलचाल की प्रक्रिया पर भी लागू होता है। हंसी खुशी के माहौल में महफिल को अलविदा कहना चाहिए। बातचीत के दौरान मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हजारों लोगों की महफिल में सबको प्रसन्न एवं संतुष्ट करने वाला कोई अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। अपनी रुचि के मुताबिक बातचीत का विषय चुनना दर्शकों के लिए उबाऊ हो सकता है। पंखों वाले घोड़ों एवं मछलियों, परियों आदि के किस्से कहानी सुनने की इच्छा रखने वाले दर्शक को खीरे की विशेषता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आकर्षक वक्ता सदा दर्शकों की रुचि से संबंधित विषयों पर ही चर्चा करते हैं। मध्यम बौद्धिक स्तर का व्यक्ति भी बिजली की गड़गड़ाहट का दिलचस्प व्याख्यान कर सकता है, लेकिन इसी व्यक्ति को यदि रुचि के विरुद्ध किसी विषय पर बोलने के लिए मजबूत किया जाए तो निसंदेह चर्चा उबाऊ हो जाएगी। घिसे पिटे और अनर्थक मुहावरों एवं उदाहरणों से बचना चाहिए। दुनिया के किसी और कोने में रहने वाले दोस्त से अचानक मुलाकात हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया कितनी छोटी है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए मोटी कमाई नहीं, उच्च संस्कारों की आवश्यकता होती है। किसी नए या रोचक विचार के अभाव में चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। और इसी मोड़ पर यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह ऑडियो बुक समरी बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द
एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना बेहतर ख्याल।